कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कंगना रनौत जिस प्रकार विक्रमादित्य सिंह पर राजनीतिक टीका टिप्पणी कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और विक्रमादित्य सिंह खुद 2 बार विधायक और मंत्री रहे हैं और पिछले 1.5 वर्षों में जिस प्रकार विक्रमादित्य सिंह की सरकार में अहम भूमिका रही है और प्रदेश की युवाओं के लिए आइकन है। उन्होंने कहा कि ऐसे में कंगना रनौत की बात की जाए तो उनके ना तो मंडी और न मनाली में आज तक पड़ोस के लोगों के साथ व्यवहारिक तौर पर अच्छे संबंध है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, मनाली में तो कंगना रनौत ने पड़ोसियों पर FIR भी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हिमाचल में कंगना रनौत विभिन्न जिलों की वेशभूषा पहनकर लोगों को आकर्षित कर रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कंगना रनौत से आम जनता को मिलने के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत का डबल किरदार है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश में वो भाजपा के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका अदा कर रही है। बिल्कुल, बहुत ही जिस तरह से कंगना रनौत ने विक्रमादित्य के ऊपर जो एक बयान दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अल्टीमेटली विक्रमादित्य के अगर परिवार का देखा जाए तो उनके पिताजी 6 बार के मुख्यमंत्री रहे और उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश को बनाने और संवारने के लिए। वही विक्रमादित्य की बात करें, विक्रमादित्य हिमाचल प्रदेश के यूथ आइकॉन है और 2 बार के विधायक है और साथ में मंत्री भी है। तो उनकी भूमिका जो पिछले 2-1.5 साल से जब वो मंत्री बने तो बहुत अहम रही हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अगर कंगना रनौत की बात की जाए, जहां पर कंगना रनौत का पैतृक गाँव है मंडी के अंदर, वहां पे मुझे लगता है कि उनका मेल मिला भी वहां के इर्द गिर्द के लोगों के साथ, उनका परिवार के साथ रहा। और इतना नहीं, उन्होंने दूसरा घर जो एक मनाली में बनाया हुआ है वहां के लोगों का भी कहना है कि कंगना रनौत कभी भी आम जनता से नहीं मिलती। इतना नहीं, वहां पे पड़ोसियों तक का बयान आया हुआ है टीवी चैनल्स पे उसपे कि उन्होंने किस तरह से उनके ऊपर FIR की है। तो उनका सामाजिक जो ताना बुना है वो बिल्कुल नहीं है, सामाजिक बिल्कुल भी नहीं है। आज सिर्फ चुनाव को लेकर वो लोगों के बीच में एक आम महिला की तरह घूम रही है, लेकिन जब जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो मुझे लगता है कि उनको अभी भी अगर हम मिलना है तो सुरक्षा घेरे में घूमी रहती है वो, उनको मिलना बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन आम आदमी के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल होगी कंगना रनौत को मिलने के लिए। तो ये सारी बातें हिमाचल प्रदेश की जनता देखती है कि कंगना रनौत का एक डबल चेहरा है दिखाने का और देखने का। तो इसका हिमाचल प्रदेश यहाँ पे पढ़े लिखे वर्ग है और सभी लोग जानते हैं कि कंगना रनौत आज सिर्फ चुनावी स्टंट को लेकर आई हुई है और भाजपा की एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता, ये खास तौर पर महिला हिमाचल प्रदेश की, समझती है कि कंगना रनौत उनकी MP नहीं हो सकती। इसको लेकर जहां भाजपा कुछ चीजें भुना रही है, लेकिन मुझे कहना है कि महिलाओं को लेकर बात तो बहुत कुछ करी है कंगना रनौत, लेकिन जब मणिपुर में घटना घटी थी तब उस वक्त कहां थी? जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी, मनाली में बाढ़ आई थी, मंडी में बाढ़ आई थी, तब कंगना रनौत का क्या भूमिका रही है? ये सारी भूमिका रही है। और इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में सरकार थी उस वक्त, सरकार ने इन्हें अप्रोच किया था ब्रांड एम्बेसडर बनाने का हिमाचल प्रदेश का, लेकिन उस वक्त कंगना रनौत ने जिस पार्टी से वो आज चुनाव लड़ रही है उसी उन्हीं की सरकार थी। तो तकरीबन 45 लाख रुपया उनने पर डे उनसे चार्ज की मांगा था, लेकिन आज वो हिमाचल प्रदेश की जो है कहीं बेटी मान रही है कहीं बात, लेकिन जिस वक्त हिमाचल प्रदेश को एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत थी तब उन्होंने इनकार किया था, सिर्फ पैसा मांगा। तो आज कंगना रनौत जो है वो सिर्फ एक मात्र चेहरा है और भाजपा के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रही है।